पंजाब की लग्जरी गाड़ियों की नीलामी, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सूबाई वजीर राजा बशारत की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी गाड़ियों की नीलामी से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब करेगी। इस बारे में मजीद जानते हैं मोहम्मद हसन रजा से। जी मोहम्मद हसन रजा, पंजाब काबीना के इजलास में ये लग्जरी गाड़ियों का मामला जो है वो रखा गया, जिसमें ये फैसला किया गया कि अब जो है वो दो सूबाई वज़रा जो है, जिसमें एक सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और दूसरे जो है वो चौधरी जहीरुद्दीन जो है, उनकी सरबराही में कमेटी तश्कील दी है। ये तमाम गाड़ियों को देखेगी कि तकरीबन 15 गाड़ियां जो है वो फिल वक्त जो इब्तदाई तौर पर जो चीजें सामने आ रही हैं कि उनको नीलाम किया जाएगा, लेकिन तमाम गाड़ियों के हवाले से जो रिपोर्ट्स लेंगी, और ये सिर्फ लाहौर से नहीं बल्कि पूरे पंजाब भर की तमाम लग्जरी गाड़ी का डाटा इकट्ठा करेंगी। उसमें जो है वो जो महंगी गाड़ियां होंगी वो उसकी नीलामी की जाएगी और उसका हतमी फैसला जो है काबीना के इजलास में ही किया जाएगा, और बाकी जो गाड़ियां हैं वो देखा जाएगा कि क्या जो आला हुकूमती शख्सियात जो लाहौर आते हैं उनके जरिए इस्तेमाल में लाने के लिए रखी जाएंगी, और उनके साथ साथ जो आला हुकूमती शख्सियात जो पंजाब की हैं, जिस तरह वजीर आला पंजाब है या उनके साथ साथ स्पीकर पंजाब असेंबली हैं या उनके अलावा दीगर सूबाई गुजरा है जिनको दहशत गर्दी खदशात के भी सूरत हाल के पेश नजर उनके जरिए इस्तेमाल में लाने के इकदाम दिए जाएंगे, और बाद ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें दहशत गर्दी डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट हैं उनके जरिए इस्तेमाल में लाने के लिए इकदाम दिए जाएंगे। ये कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये कमेटी 15 रोज के अंदर जो है अपनी तजावीज काबीना के इजलास में देगी। जी कमेटी तश्कील दे दी गई है। शुक्रिया मोहम्मद हसन रजा।